हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारूक मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अभी की जो हमारी वीडियो है, एक फनी एनिमेटेड वीडियो की रिएक्शन वीडियो है। वीडियो का नेम है मेक जोक ऑफ एन IPL डिस्कशन। पहले हम देखेंगे ये एनिमेटेड वीडियो और इससे मेरा रिएक्शन, उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू वीडियो के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले ये वीडियो और उससे मेरा रिएक्शन। महेंद्र सिंह धोनी का इतने बड़े फैन है, इधर है, इधर सुना खबर हूँ। महेंद्र सिंह धोनी का इतने बड़े फैन है, सीना फाड़ के दिखा देंगे, धोनी फोटो निकल आएगी। जानी था तुम कितने बड़े फैन, छोटा मोटा ना समझना हमको, मिलके आए हैं। सही बता, स्टेडियम गए थे, आगे वाली सीट पर बैठे थे, खेलने जा रहा था। हमने कहा इधर को कोई तक्का, हमने कहा इधर आओ थोड़ी देर सुन लिया करो, एक तो बत्ती आने नहीं, पसीना बह रहा शरीर से, गंध आ रही है। अरे वो बच्ची जी गए सीढ़ी लेके सही करवाने, कुछ ना सही करवाए, ज्यादा एहसान ना करें हम लोग के ऊपर। यहाँ शुरुआत लगी हम लोग की गली में, सोलर वाली क्या है, परेशान हो कर सही हो जाएगी। भैया हाँ, जो क्रिकेट में बैट लोग खेलते हैं वो बहुत भारी होता ना। अबे बैट तो तुम भूल जाओ, तुम बात करो बॉल की। हाथ उठाने जाओगे तो हाथ उखड़ जाएगा, इतनी भारी होती। सिलेंडर जानते हो, सिलेंडर सिलेंडर से 3 गुना भारी होती बॉल। तुम्हारे जितने फोम वाली बॉल से खेला कुछ कुछ हो रही। क्या बोल रहे हो, 3 गुना? हाँ सिलेंडर का 3 गुना। भरा कि खाली? भरा सिलेंडर। कुछ ज्यादा नहीं हुई रहा। कभी स्टेडियम गए हो? नहीं, हमका कोई शौक नहीं। कभी चले जाना, जब छक्का आए ना तुम्हारी तरफ तो खोपड़ी आगे कर लेना, तब पता चलेगा कितनी भारी होती कितनी भारी नहीं होती। जिस दिन मुंबई इंडियंस हारे वानखेड़े बगल से चले जा 3:33 पे, अंपायर नाचते दिखते पापा का बताओ, कह रहे मम्मी बुला रही, खाना बनाओ आके। बनाओ आके मतलब खाओ आके, खाए हो बनाए कोनो अंतर नहीं तुम्हारे लिए। अरे यार जल्दी पीटी का जवार है, घंटा भर से बुला रहे हैं, रुको थोड़ी देर आ रहे हैं। कोनो अमृत नहीं बनूती तुम्हारी मम्मी कि हम खाए के लालायित रही। ओ भैया, वो कौन सा प्लेयर रहता जो खोपड़ी में लुंगी बांध के आता? हाँ, लुंगी बांध के आता खोपड़ी, समझ नहीं पा रहे क्या बोल रहे। अरे वही तो खड़े खड़े चक्का मार देता। कौन लेट के चक्का मारता यार, सब खड़े खड़े चक्का मारते हैं, यही मारते हैं लेट के चक्का, वो कौन मारता। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी जान निकल जाती चक्का मारने में, पर वो खड़े खड़े मार देता। गेंद की बात कर लो। हाँ वही वही वही, क्या नाम होता गेल, तो लुंगी बांध के आता है। हाँ, लुंगी नहीं आते बांध पीछे काली काली, लुंगी है वो। लुंगी है, स्टाइल है उनकी। अरे भैया स्टाइल से तो हम बहुत परेशान, हमारी बिटिया कल मैच देख रही रहे हमारे साथ, आंधे रसल बहुत पीट रहा रहे, कहीं लगी पापा, कहा कहस की अच्छी बार जब बाल कटवाना तो आंधे रसल वाले कटवाना, लगी हो। अपनी बिटिया से खरीदो ही ना, उनके लिए कौन सा हेयर स्टाइल ढूंढ दे, बने भिखारी घूमा कर। बात बताओ तुम, मेरा पूछो, इतनी गर्मी में तुमका रहा इस नहीं ना, इतनी बढ़िया IPL की बातें चल रही तुमको समझ में नहीं आ रहा। अरे हमको IPL की बात है कि हमको IPL नहीं समझ में आता है, तो नहीं समझ में आता है, बता रहे चबूत
कबूतर है बैठे तुम्हारी छाती बनाए बैठे हैं निकले पंडित जी लागत बत्ती आए वाली है आ गई लाग आ गई निकले पंडित जी पंडित जी की बड़ी चुटैया जी फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो मेक जोक ऑफ ये वीडियो थी और बहुत ही कमाल की वीडियो थी और ये आईपीएल की डिस्कशन के ऊपर ये वीडियो थी मेक जोक ऑफ एन आईपीएल डिस्कशन जो कि आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन। और अब हम बात करते हैं आपसे इसी वीडियो के हवाले से, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार थी और मेक जोक ऑफ की वीडियो होती इतनी ज़्यादा कमाल की और मज़ेदार किस्म की होती है कि आप जितनी बार भी देख लें मज़ा उतना ही आता है। बनिस्बत बाकी जो दूसरी एनिमेटेड वीडियो होती हैं वो एक या दो बार देख लो तो दिल भर जाता है, देखने का दोबारा दिल नहीं करता, लेकिन जो उनकी वीडियो होती हैं बहुत ही कमाल की होती हैं। और सबसे प्लस पॉइंट इनका ये होता है कि इनकी जो आवाज़ जब हुई भी होती है वो बहुत ज़्यादा कमाल की और बहुत ज़्यादा फ़नी होती है, जिसकी बिना पर बार बार देखने को वीडियो दिल करता है क्योंकि इतनी फ़नी और इतनी ज़बरदस्त और क्यूट सी आवाज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही कमाल की लगती हैं, जिसकी बिना पर वीडियो में समझ लें जिसकी वजह से एक चार चांद लग जाते हैं और एक अलग ही किस्म का वीडियो का रूप निखर कर आता है जो कि देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कि ये वीडियो थी आप लोगों ने देखा, इसमें कितनी फ़नी फ़नी वॉइस थी और ये काफ़ी मेहनत और लगन के साथ इस तरह की वीडियो बनती है, एनिमेशन करना, फिर उनकी मिक्सिंग, फिर साउंड रिकॉर्ड करना, आवाज़ रिकॉर्ड करना, फिर सब कुछ ओवरऑल, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ बनती हैं जो कि और आप लोग देख लेते हैं कुछ ही टाइम में तो फिर और मज़ा बहुत ज़्यादा आता है बनिस्बत, क्योंकि जो चीज़ मेहनत और लगन के साथ और दिल लगाकर काम करने के बाद बनती है तो उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। जैसा कि ये मेक जोक ऑफ की वीडियो सारी कोई भी आप उठाकर देख लें बहुत ही कमाल की होती है, जैसा कि आप लोगों ने ये देखी मेरे साथ तो कितनी ज़्यादा मज़े की थी और फ़नी थी और इंटरटेनमेंट से भरपूर थी जो कि देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और फ़नी डायलॉग जो होते हैं हिंदी में वो बहुत ज़्यादा कमाल के होते हैं जो कि सुन के दिल ही खुश हो जाता है। तो जी फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उससे मेरा रिएक्शन, उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यूज़ वीडियो के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतज़िर हैं। और अब आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।